हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूड मैकेनिक्स। ये फ्लूड मैकेनिक्स का छठा लेक्चर है, पांच लेक्चर हमारे हो चुके हैं। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और इससे पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले पुराने जो पाँच लेक्चर हैं उनको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूड्स और इनके टाइप्स, फ्लूड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले लेक्चर में हम फ्लूड को बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, तो आज के लेक्चर में बस किताबी भाषा से आपको डिफिनेशन समझा देंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूड को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कि फ्लूड किसे कहते हैं। तो आज बस हम डिफिनेशन बताएंगे, आप पहला लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां समझ में आ जाएगा फ्लूड का डिफिनेशन, ठीक है। तो आज हम किताबी भाषा की बात करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस है उस पर आप क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए हम ये ग्राउंड बना रहे हैं और कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए वो फ्लूड ही है, फ्लूड को हम क्या कर रहे हैं यहां पर रख दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल एक न्यूटन का बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि अगर समय हो रहा है 7 बज रहा है, तो 7 बजे देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल अभी यहाँ मौजूद है, लेकिन 7:01 पर देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल कहीं यहाँ पहुँच गया। फिर देख रहे हैं कि 7:02 पर ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया, 7:04 पर ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया, और फोर्स जो है कॉन्स्टेंट है। यदि आप किसी मटेरियल पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स हमारा कॉन्स्टेंट है और लगातार उस मटेरियल के शेप और साइज लगातार समय के साथ चेंज होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लूड कह देते हैं। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल है इस जगह पर पहुंच गया 7:01 में, दूसरे सेकंड देख रहे हैं 7:00, यही मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, पहले स्ट्रेन इतना था, बाद में स्ट्रेन इतना हो गया, फिर देख रहे हैं यहां पहुंच गया, लगातार इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो रहा है, तो ऐसे मटेरियल को बोल देते हैं फ्लूड। तो किताबों में जो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगर कोई सब्सटेंस है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या कर रहा है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखता है, फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, तो उसी मटेरियल को बोल देते हैं हम लोग फ्लूड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे फ्लूड का डिफिनेशन, ज्यादा समझना है तो जरूर पहला लेक्चर देखिए, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कितने प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन, अब देखते हैं ये फ्लूड कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो फ्लूड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूड होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है आइडियल फ्लूड, एक होता है हमारा आइडियल फ्लूड और दूसरा होता है हम लोगों का रियल फ्लूड। एक हमारा होगा आइडियल फ्लूड, दूसरा हमारा रियल फ्लूड है, ठीक है। अगर हम क्या करें, देखिए एक आइडियल फ्लूड है और ये रियल फ्लूड है, हम क्या कर रहे हैं इनको मॉलिक्यूल लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल देखिए, 4 मॉलिक्यूल इनके बना दे रहे हैं, इनके भी बना दे रहे हैं, इनके भी बना दे रहे हैं 4 मॉलिक्यूल। जो रियल फ्लूड होते हैं उनके मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर जुड़े रहेंगे, ये भी अपने आप से बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, यहां से भी ये बॉन्डिंग बना करके जुड़े रहते हैं, इसी बॉन्डिंग को बोला जाता है कोहेजन, इसी को बोला जाता है कोहेजन। और हम आपको बता चुके हैं कि जो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, तो हम आपको बता चुके हैं जो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जो है फ्लूड में पाई जाती है उसका एक ही कारण होता है कोहेजन, ये बॉन्डिंग होता है। लेकिन आप देखेंगे अगर आइडियल फ्लूड में तो इनके मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल भी जुड़े नहीं रहते हैं, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से नहीं जुड़ा रहेगा, यानी कि अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो विस्कोसिटी केवल कोहेजन के कारण होता है, सरफेस टेंशन भी इसी के कारण होता है कोहेजन के कारण, यानी कि अगर आइडियल फ्लूड की बात करें तो इनके अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो आपको मिलेगी 0, ठीक है, विस्कोसिटी 0 मिल जाएगा, सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। और एक खासियत और है इनका, अगर इनको किसी बर्तन में रख दिया जाए, आइडियल फ्लूड को किसी बर्तन में रख दिया जाए और बाहर से प्रेशर लगा करके हम क्या करें इनके वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करें, तो आप इनके वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि ये जो फ्लूड होते हैं ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो आइडियल फ्लूड जो होते हैं
इनकी खासियत क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल होंगे, नॉन विस्कस होंगे, विस्कोसिटी जीरो होगी और सरफेस टेंशन भी जीरो होगा, ठीक है। तो उन पॉइंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल फ्लूड का अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो ये जो फ्लूड होता है ये होता है हमारा नॉन विस्कस, नॉन विस्कस होता है। और बात करें हम लोग सरफेस टेंशन की, अगर सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो ये भी आपको जीरो दिखेगा। उसके बाद देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यदि आप इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें इन फ्लूड पर तो इनके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन आइडियल फ्लूड के वॉल्यूम में जो चेंज है वो नहीं होगा, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। अर्थात अगर दैट इज करके देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लूड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है ना। ये फ्लूड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। तो हमें समझ में आ गया कि आइडियल फ्लूड जो होगा नॉन विस्कस होगा, सरफेस टेंशन जीरो और इनकंप्रेसिबल होगा, ठीक है। एक चीज और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। ये है शियर स्ट्रेस और ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है वाई बराबर एम एक्स। तो ये जो इक्वेशन है यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें जो यम देख रहे हैं ये आपका स्लोप है, और इस इक्वेशन में अगर देखें तो यम की जगह यू है और y के जगह tau है और x के जगह du upon dy है। अगर हम क्या करें इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएं, देखिए ग्राफ बना दे तब इधर लिख सकते हैं x और ये हो गया हमारा y। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यानी कि अगर इनका बनाया जाए, हम क्या करें यहां पर y के जगह देखिए शियर स्ट्रेस लिख दें और x के जगह रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लिख दें, मतलब du अपन dy लिख दें, तो इसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल फ्लूड की, अगर आइडियल फ्लूड की आप बात करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। इनकी जो विस्कोसिटी होती है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो होती है हमारी जीरो। म्यू को आपको क्या करना है, यहाँ जीरो रखना है। तो अगर आइडियल फ्लूड की बात करेंगे तब, अगर आइडियल फ्लूड की आप बात करेंगे तो जो शियर स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि विस्कोसिटी इनकी होती है जीरो। जैसे यहां जीरो रखेंगे वैसे आ जाएगा शियर स्ट्रेस जीरो। तो अगर आइडियल फ्लूड का आपको ग्राफ बनाना है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच, तो आप देखेंगे स्ट्रेस जो होता है इस फ्लूड में हमेशा जीरो होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक और पॉइंट कि आइडियल फ्लूड में शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा, फ्लूड रेस्ट पर हो अथवा मोशन में हो, ठीक है। जबकि विस्कोसिटी की घटना तभी दिखती है जब फ्लूड मोशन में होता है। तो आइडियल फ्लूड में ऐसा कुछ नहीं है, ये मोशन में रहेगा। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन चेंज इन वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी में चेंज दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें विस्कोसिटी जो है तब भी जीरो दिखेगी। विस्कोसिटी जीरो रहेगी तो इसमें शियर स्ट्रेस भी हमेशा जीरो रहेगा। तो खासियत पता चल गया कि आइडियल फ्लूड नॉन विस्कस होते हैं, सरफेस टेंशन जीरो होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो हमेशा जीरो रहेगा। मतलब वेलोसिटी तो दिखाएगा चेंज इन वेलोसिटी, आगे पार्टिकल बढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन शियर स्ट्रेस बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। यानी कि अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं आइडियल फ्लूड का तो आपको बस स्ट्रेन बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन स्ट्रेस नहीं दिखेगा। तो ये ग्राफ जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा आपके आइडियल फ्लूड का, ठीक है। ये बात हो गई हमारे आइडियल फ्लूड की, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग पीछे सीख लिए हैं कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचा जाएगा, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए आइडियल फ्लूड के लिए, तो आपको बस मिलेगा इसी लाइन पर एक ग्राफ मिल जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आइडियल फ्लूड। तो आइडियल फ्लूड जो होंगे हमेशा इसमें शियर स्ट्रेस जीरो रहेगा, क्योंकि ये नॉन विस्कस होंगे, सरफेस टेंशन जीरो होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में ग्राफ फॉर आइडियल फ्लूड, ठीक है। एक ग्राफ और बना सकते हैं हम लोग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बीच में और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। कभी कभी ये लिखा रहेगा डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वास्तव में यही है, हम पहले लेक्चर में इसको डिराइव करके दिखा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए
डायनेमिक विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच सकते। तो आप देखेंगे कि आइडियल फ्लूड में जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है हमेशा जीरो होती है। तो आप देखेंगे हमेशा जीरो रहेगा, आप कितनों भी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पैदा कर दीजिए, कितनों भी आप फ्लूड को आगे बढ़ाते जाएंगे, कितनों भी फोर्स लगाइए, इसमें विस्कोसिटी आपकी नहीं आएगी, बस आपका क्या होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ही दिखेगा। तो आप ग्राफ बना सकते हैं ये आइडियल फ्लूड का। तो आप देख रहे हैं शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच भी ग्राफ यही बन रहा है, और विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में भी ग्राफ आपका यही बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल फ्लूड। अब बात करते हैं हम लोग रियल फ्लूड की। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, तो रियल फ्लूड के बारे में भी जस्ट बताए हैं आपको। देखिए, ये मॉलिक्यूल यहां बना लिए, यहां, यहां और यहां, ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कोहेसिव बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो रियल फ्लूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में कोहेजन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि अगर बात करें इनकी प्रॉपर्टी की तो इनमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो दिखेगा, और कंप्रेसिबिलिटी, ये दब सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, इनके वॉल्यूम में कमी की जा सकती है। मतलब अगर वाटर की बात करें तो इनमें बल्क मॉडुलस होता है 2.16 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आपको बल्क मॉडुलस पता है तो आप कंप्रेसिबिलिटी को निकाल सकते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस की रेसी प्रोकल होती है। अगर किसी भी चीज की आपको बल्क मॉडुलस पता है तो कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो रियल फ्लूड की बात होती है जो हम अपने सामने देख रहे हैं, पानी है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे रियल फ्लूड होते हैं। ठीक है, तो रियल फ्लूड की खासियत क्या है, इनकी विस्कोसिटी तो पहली बार जीरो नहीं होगी, सरफेस टेंशन जीरो नहीं होगा, ये कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है ना, इनके वॉल्यूम में आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे फ्लूड को बोलते हैं हम लोग रियल फ्लूड। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे रियल फ्लूड की। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे रियल फ्लूड की। अब देखते हैं इनके प्रकार। तो ये भी आपको दो तरीके से दिखेगा, ये भी आपको दो तरीके से दिखेगा, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूड, एक होगा न्यूटोनियन फ्लूड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, तो एक होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, और दोनों में आप देखेंगे विस्कोसिटी जो है नॉट इक्वल टू जीरो, विस्कोसिटी इसमें जीरो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर न्यूटोनियन फ्लूड की बात करें तब किन फ्लूड्स को आप न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन सिंपल सा है, जो भी फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, मतलब ओबे करते हैं, उसके नियम का पालन करते हैं, उन्हीं फ्लूड्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। मतलब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, जो भी फ्लूड इस नियम का पालन करेंगे उन्हीं को कहते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूड, और जो फ्लूड न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते, du/dy, देखिए, जो भी फ्लूड न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते उन फ्लूड्स को नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहते हैं। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया डिफिनेशन कि न्यूटोनियन फ्लूड उन फ्लूड को कहेंगे जो न्यूटन के नियम का पालन करेंगे, मतलब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। लेकिन जो फ्लूड न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे फ्लूड को बोलेंगे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। नॉन न्यूटोनियन भी आपको दिखेंगे दो तरीके से, एक टाइम डिपेंडेंट होता है और टाइम इंडिपेंडेंट होता है, दो तरीके से दिखते हैं, उनमें भी एक में तीन होते हैं और एक में दो होते हैं, तो उनमें भी आपको दिखेंगे पांच तरीके के। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में, तो इसको मिटा रहे हैं हम, पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि जो भी फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं उन्हीं फ्लूड को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर
डिफॉर्मेशन, इसको वेलासिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है, वेलासिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं ऐसे ही फ्लूड को न्यूटनियन फ्लूड कहते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अथवा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन अथवा वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको बहुत ज्यादा समझना है तो न्यूटन्स लॉ, तो आप पीछे जाकर के दूसरे लेक्चर में पढ़ लीजिए, उधर हम बहुत अच्छी तरीके से इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैथमेटिक्स में लिख दे रहे हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीयू अपॉन dy। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये proportionality sign को हटा रहे हैं, देखिए tau बराबर mu du upon dy, और इसको बोलते हैं dynamic viscosity अथवा viscosity। तो ये हमारा equation हो गया Newtonian fluid के लिए, हमारा हो गया equation। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तब, ठीक है, अगर हम क्या करें थोड़ा सा अगर ध्यान दें, तो इस इक्वेशन को भी बहुत ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है y बराबर m इंटू x, ये लिखा है स्लोप और ये लिखा है x डायरेक्शन और ये लिखा है y डायरेक्शन। मतलब कि क्या करें, अगर इसका हम लोग क्या करें ग्राफ बनाए, तो देखिए इसका ग्राफ बन जाएगा कैसे, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस। अगर देख रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, वो भी ओरिजिन से, क्योंकि इसमें प्लस सी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, हमें बनाना है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। तो देखिए वाई बराबर टाउ लिख सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस, और यहाँ पर देखिए एक्स के जगह ये लिखा है du upon dy, तो आप यहां पर लिख सकते हैं रेट ऑफ शियर, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इधर हो गया हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इधर हो गया हमारा शियर स्ट्रेस, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। यहां पर देख रहे हैं जो m है वो स्लोप होता था, इसमें भी देखिए जो म्यू है ये स्लोप है, ये स्लोप है इस ग्राफ का, तो आप देखेंगे इस स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप है, यानी कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस पर टेंजेंट खींचें, जब जब टेंजेंट खींचेंगे तो देखेंगे ये म्यू हमें मिलेगा। तो इस पर देखेंगे तो आप कहीं भी स्पर्श खींचिए, जैसे यहाँ पर टेंजेंट खींच रहे हैं, यहाँ पर खींच रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी टेंजेंट खींचेंगे आप, तो ये वैल्यू आपको जो है कॉन्स्टेंट मिलेगी, म्यू म्यू हर जगह आप देखेंगे म्यू का मान चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर दिख रहा है कि म्यू बराबर टाउ अपान डी यू अपान डी वाई, यानी कि देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, लगातार आप शियर स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं, शियर स्ट्रेन के मान बढ़ने के साथ देख रहे हैं म्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, म्यू यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट दिख रहा है, अगर कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही फ्लूड को हम लोग बोलते हैं न्यूटनियन फ्लूड। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है म्यू का मान यहां लगातार कांस्टेंट दिख रहा है, शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है फिर भी म्यू का मान चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल के आ रहा है, यदि किसी फ्लूड में हम लोग क्या करें लगातार शियर डिफॉर्मेशन पैदा करें, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लगातार बढ़ाते जाए लेकिन अगर उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे फ्लूड को भी बोला जाता है न्यूटनियन फ्लूड। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी नियम से हम इस ग्राफ को बनाए हुए हैं, और इस ग्राफ में ये जो स्लोप दिख रहा है म्यू दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो ऐसे फ्लूड को बोलेंगे हम लोग न्यूटनियन फ्लूड। ठीक, तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि अगर कोई भी फ्लूड जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करता है तो न्यूटनियन फ्लूड करते हैं। और एक चीज और पता चल गया हमें कि अगर कोई फ्लूड है और उसमें लगातार हम शियर डिफॉर्मेशन पैदा करते जा रहे हैं, फिर भी उसके विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब भी इस फ्लूड को हम लोग कहते हैं न्यूटनियन फ्लूड। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया न्यूटनियन फ्लूड के बारे में। ठीक, तो हमें ये समझ में आ गया कि न्यूटनियन फ्लूड किसको कहते हैं, यानी जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है ये दिख रहा है न्यूटनियन फ्लूड का, तो ये ग्राफ मिल गया आपको न्यूटनियन फ्लूड का। तो हम किसके किसके बीच खींच रहे हैं, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, तो ये ग्राफ जो आपको मिला है यही हमारा न्यूटनियन फ्लूड है। एक ग्राफ और हम खींच सकते हैं रियल फ्लूड के लिए, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और
म्यू के बीच में खींच सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के। तो आप देख रहे हैं अगर न्यूटनियन फ्लूड है, अगर न्यूटनियन फ्लूड है तो आप कितनों भी स्ट्रेन पैदा करेंगे, रेट ऑफ शेयर कितनों भी आप पैदा करेंगे, जो म्यू का मान होगा वो आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पानी है, वाटर है, आप और बाल्टी में रख करके हाथ से खूब घुमा रहे हैं, खूब शेयर स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे कि जो वाटर की विस्कोसिटी होती है एक सेंटीपॉइज, वो चेंज नहीं होगी, चेंज होकर के ना ज्यादा होगी ना कम होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप कितनों भी शेयर स्ट्रेन उसमें बढ़ाते जाएंगे, आप कितनों भी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे, विस्कोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। मतलब जो विस्कोसिटी की वैल्यू होगी वो लगातार जो है शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ाएंगे, लेकिन विस्कोसिटी जो आपकी रहेगी हमेशा चेंज नहीं होगी, हमेशा देखिए कांस्टेंट ही दिखाएगी। ये स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है लेकिन विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वही रह जा रही है। वाटर की अगर बात करें तो होता है हमारा एक सेंटीपॉइज, तो ये वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ग्राफ आता है पेपर में ऐसे बना देता है विस्कोसिटी के बीच में और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में, तो आप न्यूटनियन फ्लूड अगर पहचानना है तो ये वाला ग्राफ आपको दिखाएगा न्यूटनियन फ्लूड का, ठीक है। अगर शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाता है तो ये जो लाइन आपको दिखेगी ये हमारी दिख जाएगी न्यूटनियन फ्लूड की। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वाला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से फ्लूड जो है वो न्यूटनियन होते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में सीधा सीधा इनका नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर देखें, एयर देखें, केरोसिन ऑयल देखें मतलब मिट्टी का तेल, आप डीजल देख सकते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, मरकरी है। तो अगर आप देखें वाटर, एयर, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, मरकरी, आप क्या करें पानी को बोतल में रख करके लखनऊ से आप गोरखपुर चले जाइए तो जो विस्कोसिटी आप देखेंगे लखनऊ में होगी वही विस्कोसिटी आपको गोरखपुर में मिलेगा, जबकि बहुत सारे उसमें झटके लगे हुए हैं, बहुत सारा शेयर स्ट्रेन आप पैदा किए हैं फिर भी आपको विस्कोसिटी वही दिखेगी। एयर देखें तो एयर की भी विस्कोसिटी आपको वैसा ही दिखेगा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तब जा करके विस्कोसिटी में फर्क पड़ता है। तो ये जो फ्लूड है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तब जाकर के इनके विस्कोसिटी में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि इनकी जो विस्कोसिटी होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ चेंज नहीं होती। पेट्रोल गाड़ी में आप डला रहे हैं, ठीक है, आप पेट्रोल क्या कर रहे हैं गाड़ी में डला रहे हैं या डीजल, आप खूब गाड़ी चला रहे हैं, खूब सारा स्ट्रेन पैदा हो रहा है लेकिन इसका विस्कोसिटी आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को कह देंगे हम लोग न्यूटनियन फ्लूइड। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूड की, ठीक है। तो नॉन न्यूटनियन फ्लूड भी हमारा क्या है, रियल फ्लूड है, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करता, ठीक है। इसका ये अर्थ है कि ये जो फ्लूड होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ इसकी विस्कोसिटी जो है घटती अथवा बढ़ती है, तो ऐसे फ्लूड को बोल देंगे नॉन न्यूटनियन फ्लूड। ये जो फ्लूड होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इसका ये मतलब है अगर ये फ्लूड हम लोग कहीं पर रख दें, रात में रख दे रहे हैं और सुबह हो जा रहा है तो उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा अगर उसमें हम लोग शियर स्ट्रेन पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा फ्लूड जो होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, कोई फ्लूड है नॉन न्यूटनियन, कोई फ्लूड है उसको रख दिए आज शाम में और सुबह देख रहे हैं उसकी विस्कोसिटी या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी, या तो गाढ़ा हो जाएगा या तो पतला हो जाएगा। जिन भी फ्लूड की विस्कोसिटी जो है रखने के बाद समय के साथ घटती अथवा बढ़ती है वो टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटनियन फ्लूड कहलाते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे टाइम डिपेंडेंट में ये तो ये भी आपका तीन प्रकार का होता है, एक होता है हमारा डाइलेटेंट फ्लूड अथवा इसका एक नाम और है डाइलेटेंट फ्लूड का शियर थिकिंग फ्लूड और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूड और एक और इसमें होता है, तीन होते हैं ये, एक और होता है, ये होता है आइडियल प्लास्टिक अथवा दूसरा नाम है बिंघम प्लास्टिक एंड हर्सल बकले
बकले फ्लूड, ठीक है। तो आप देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक डाइलेटेड फ्लूड होता है, अथवा दूसरा नाम है इसका सीयर थिकिंग फ्लूड, दूसरा होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूड, और तीसरा होता है आइडियल प्लास्टिक अथवा बिंगम प्लास्टिक एंड हर्सेल बकले फ्लूड, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, ये जो होता है आपको दो प्रकार का दिखेगा, इसको मिटा देते हैं, देखिए आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको दो प्रकार का, एक होता है हमारा थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड होता है, और एक हमारा होता है रिहोपेटिक, ठीक है। एक हमारा होता है थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड और दूसरा होता है हमारा रिहोपेटिक फ्लूड, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक समय पर निर्भर करने, तो आपको दिखेगा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूड दो तरीके से आपके होते, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरा टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के हैं, डाइलेटेड फ्लूड है, सूडोप्लास्टिक है, और आइडियल प्लास्टिक के हैं अथवा बिंगम प्लास्टिक है, और टाइम डिपेंडेंट जो फ्लूड होते हैं वो होते हैं थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड, और एक होता है हमारा रिहोपेटिक फ्लूड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फ्लूड। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड, पहले पढ़ते हैं डाइलेटेड, फिर सूडोप्लास्टिक, फिर आइडियल प्लास्टिक, फिर पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट ये और ये, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का इक्वेशन लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है सीयर स्ट्रेस म्यू डी यू अपॉन डी वाई रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन की पावर एन प्लस यील्ड स्ट्रेस टाउ नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का, ठीक है। इसमें जो टाउ है ये है टाउ नॉट, ये हमारा यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस है। जब सुन पढ़ाएंगे तो आपको यील्ड स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा बताएंगे। यील्ड स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सामर्थ्य। आप जब इससे ज़्यादा स्ट्रेस किसी मटेरियल में पैदा करेंगे तब उसके अंदर जाकर के डिफॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर भी स्ट्रेंथ होगा। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसके शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, उससे कम हम फोर्स लगा पा रहे हैं, तब जाकर के इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर खाली रहे, इनको दबाएं अपने हाथ से, तो उनका फोर्स जो होगा इनके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होगा, तो ये दब जाएगा, तो ठीक है। तो यहां पर ये हो गया यील्ड स्ट्रेस। यहां पर जो आपको यन दिख रहा है, जो यन, यन जो होता है इसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स, ठीक है। यन को यहाँ पर बोला जाता है फ्लो इंडेक्स, और म्यू है यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी, लेकिन यहाँ पर बोल दिया जाता है अपरेंट विस्कोसिटी। लेकिन पेपर में ये वाला आपको इक्वेशन नहीं दिखेगा, पेपर में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे टाउ नॉट का मतलब है बी, ए का मतलब है अपरेंट विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग डाइलेटेंट की, ठीक है, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड, इनकी विस्कोसिटी जो है समय के साथ चेंज नहीं होगी, केवल एक ही चीज पर निर्भर करेगी, वो है रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। अगर रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन आप बढ़ाते जा रहे हैं, या तो विस्कोसिटी घटेगी या तो बढ़ेगी, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए वैसे ही, तो उसकी विस्कोसिटी एक साल बाद भी देखेंगे तो उनकी विस्कोसिटी सेम ही दिखेगी। तो ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को हम लोग कह रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में पहला फ्लूड है हमारा डाइलेटेड फ्लूड, अथवा इसी का दूसरा नाम है सीयर थिकिंग फ्लूड, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं कौन सा फ्लूड है। अगर हम किसी फ्लूड को ले लें, एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए शुगर का सोल्यूशन ले रहे हैं, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का मतलब यह है पानी है प्लस चीनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बर्तन है, हलवाई के यहाँ जाइए जो आपको जिलेबी बना करके दे रहा है, ठीक है। इसी में क्या कर रहा है वो, चीनी मिला दे रहा है, चीनी है, और इसी में फिर क्या कर रहा है वो, पानी मिला दे रहा है। देखिए
पानी मिला देगा। फिर क्या करता है वो हलवाई, क्या करता है धीरे धीरे इसमें क्या करता है अपना कल्छुल ले लेगा और धीरे धीरे इसको चलाता रहता है, मतलब लगातार इस फ्लूड में क्या करता है वो डिफॉर्मेशन पैदा कर रहा है, सीयर स्ट्रेन पैदा कर रहा है। एक समय आ रहा है कि सारा चीनी पानी में घुल जाएगा, बिल्कुल एक सोल्यूशन बन जाएगा, उसी सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग शुगर सोल्यूशन। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है बार 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 इसमें अपना कल्छुल चलाता रहता है। जब चलाएगा तो होता क्या है, आप शुरू में देखेंगे, शुरू में ये चाशनी देखेंगे तो बहुत पतला रहेगा, कम चिपकेगा, ये जलेबी से आसानी से नहीं चिपकेगा। लेकिन क्या है हलवाई, बार 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 जब इसमें सीयर स्टेन पैदा कर रहा है तो आप बाद में देखेंगे कि ये गाढ़ा हो जाता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो हमें अब डिफिनेशन बता रहे हैं आपको डाइलेटेंट फ्लूड के। तो डाइलेटेंट फ्लूड एक ऐसे फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी समय पर निर्भर नहीं करती, लेकिन क्या है अगर उसमें रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन बढ़ाया जाए, खूब सारा स्ट्रेन पैदा करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही फ्लूड को बोलते हैं हम लोग डाइलेटेंट फ्लूड। तो शुगर सोल्यूशन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसीलिए आपको इसे समझाए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डाइलेटेंट फ्लूड एक नॉन न्यूटेनियन ऐसा फ्लूड है जिसके अंदर हम लोग लगातार अगर सीयर स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है, यानी कि पहले ये पतला फ्लूड दिखेगा लेकिन जैसे समय बीतेगा वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सीयर थिकिंग फ्लूड। ठीक है ना, ये हमें समझ में आ गया। तो इसकी विस्कोसिटी जो है रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन के साथ बढ़ती है, ऐसे ही फ्लूड को हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूड। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि नॉन न्यूटेनियन फ्लूड का जो इक्वेशन होता है टाउ बराबर होता है ए du/dy का पावर n प्लस बी। ठीक है, हम पीछे बता चुके हैं, बी बता रहा है इनिशियल स्ट्रेस अथवा इसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, मजबूती के बारे में, और ए जो है हम बता चुके हैं अपरेंट विस्कोसिटी। ठीक है, अभी जस्ट डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि यह एक ऐसा फ्लूड होता है जिसकी विस्कोसिटी रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन बढ़ने से, मतलब ये वैल्यू बढ़ने से इसकी विस्कोसिटी लगातार बढ़ती है, जब विस्कोसिटी बढ़ती है उसी के कारण स्ट्रेस भी बनेगा, यानी कि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं सीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा सीयर स्ट्रेस है और इधर बना रहे हैं du/dy रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। लेकिन आप देखेंगे ये डाइलेटेंट फ्लूड है, वो जलेबी वाले का जो चाशनी है, बर्तन थोड़ा सा हम लोग क्या करें ढालू कर दें, बर्तन को थोड़ा सा उठाएंगे तो क्या होगा, ये चाशनी लगती है अपने आप से बहने, अगर अपने आप से बह रहा तो उसके अंदर जो यील्ड स्ट्रेस है बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है ना, तो यील्ड स्ट्रेस अगर कोई भी फ्लूड है अपने आप से अगर बह जा रहा है, ग्रेविटी के कारण अगर उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होने लग रहा है तो ऐसे फ्लूड के अंदर यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है। तो आप देखेंगे जो डाइलेटेंट फ्लूड होगा उसके लिए जो बी का मान होता है वो जीरो होता है। और हम कह रहे हैं कि डाइलेटेंट फ्लूड ऐसे फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है सीयर स्ट्रेन पैदा करने के साथ बढ़ने लगती है। तो आप देखेंगे यहां पर जब पावर एक से ज्यादा रहेगा, अगर एक रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, उसका यह मतलब होता है कि विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहां बात हो रही है विस्कोसिटी बढ़ने की। तो डाइलेटेंट फ्लूड के लिए क्या होगा, जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, यानी पैराबोलिक बनेगा ये समीकरण। अब देखेंगे b बराबर 0, ये 0 हो गया तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और विस्कोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए, मतलब ये जो स्लोप है ये लगातार बढ़ना चाहिए। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ चलता है पैराबोलिक। आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो अपरेंट विस्कोसिटी को दिखाएगा, मतलब उसकी श्यानता को दिखाएगा जो स्ट्रेन पैदा करने के बाद यहाँ पर डेवलप होती रहती है। तो स्पर्शी खींचिए, स्पर्शी ऐसे खींचेंगे फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम केवल एक्स एक्सिस खींच रहे हैं, ये एंगल आपको दिखेगा म्यू अपरेंट। आगे थोड़ा खींचिए, यहाँ पर ये दिखेगा म्यू अपरेंट, यहाँ पर खींच लेते हैं ये दिखेगा म्यू अपरेंट, यहाँ पर खींचेंगे तो ये दिखेगा म्यू अपरेंट। आप देख रहे हैं ये एंगल जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ होता है हमारे डाइलेटेंट फ्लूड का, अगर हम लोग स्ट्रेस और रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन के बीच खींचें तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, बस ये समझाने के लिए बना है आपको, इसी ग्राफ को बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूड का ग्राफ है। ये बता रहा है कि विस्कोसिटी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि डाइलेटेंट फ्लूड के लिए b बराबर 0 लेना है, मतलब यील्ड स्ट्रेस उसमें 0 होता है और n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऐसे फ्लूड को बोलते हैं हम लोग डाइलेटेंट फ्लूड, यानी कि रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन जब आप बढ़ाएंगे तो इस फ्लूड की विस्कोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अगर एग्जांपल की बात करें तब, ठीक है,
ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो तो जस्ट अभी बता चुके हैं आपको, शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, और एक होता है हमारा क्विक सैंड। क्विक सैंड जो है वो सॉयल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखेंगे सैंड की एक ऐसी कंडीशन आती है कि शियर स्ट्रेंथ इसका जो है जीरो हो जाता है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें जब जीरो हो जाता है उस समय जब सैंड आपको मिलता है तो उसी सैंड को बोलते हैं क्विक सैंड, ठीक है ना। तो क्विक सैंड में भी अगर बार बार आप बार बार क्या करें उसमें स्ट्रेन पैदा करें तो ये भी गाढ़ा होता हुआ चला जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है नॉन कोलाइडल, देखिए एक एग्जाम्पल और है आपका नॉन कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो एक बात और है, ये शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच ये ग्राफ है। एक ग्राफ और हम आपको बना दे रहे हैं विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच, क्योंकि इनका जो डिफिनेशन है वहीं से निकल के आता है कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी लगातार बढ़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक और ग्राफ बना रहे हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में, du अपन dy भी हो सकता है अथवा इसको लिख सकते हैं d phi अपन dt, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इधर बना रहे हैं और इधर बना रहे हैं आपकी विस्कोसिटी, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कहीं अगर शियर स्ट्रेन पैदा हुआ तो इसकी विस्कोसिटी हमारी मान लेते हैं यहां पर है, इतना आप शियर स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं तो इसमें विस्कोसिटी आपको इतना दिख गया, और फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, यानी ग्राफ ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो आप देखेंगे इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अगर यहां पर है तो ये आपकी विस्कोसिटी हो जाएगी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन फिर बढ़ा दिए फिर इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। तो ऐसे फ्लूइड की विस्कोसिटी लगातार बढ़ती है, इधर बनाए हैं विस्कोसिटी और इधर बना रहे हैं हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो इसका ग्राफ मिलेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड, अगर शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा डाइलेटेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे डाइलेटेंट की। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप हमारा है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो यह एक रियल फ्लूइड होता है, सूडो प्लास्टिक एक रियल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर लगातार घटती जाती है। तो ऐसे फ्लूइड को हम कह देते हैं सूडो प्लास्टिक। तो सूडो प्लास्टिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अथवा मिल्क की बात करें तो सिंपल पहले इसे समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं। अगर आपका हाथ कट जाता है तो आप देखेंगे खून जो है बिल्कुल गाढ़ा दिखेगा, जो खून होगा बिल्कुल गाढ़ा दिखेगा, लेकिन खून पर क्या करें आप थोड़ा सा दो बार ऐसे उंगली फेर दें, जैसे आप दो बार उंगली फेरेंगे वैसे ही देखेंगे जो ब्लड की जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी घटने लग रही है। तो ऐसे ही फ्लूइड को हम लोग कह देते हैं कि ये सूडो प्लास्टिक है, ठीक है। एक खासियत और है इसकी, अगर हम लोग हाथ को काट देते हैं और हाथ में देखेंगे बहुत सारा खून रुका हुआ है, हल्का सा हाथ ढाल देंगे तो तुरंत क्या होगा, खून बहने लगता है, तुरंत फ्लो होने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इल्ड स्ट्रेस नहीं होता, पहले से स्ट्रेस नहीं होता, या खुद के वेट के कारण ही डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इसके इक्वेशन की, अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि टाउ बराबर म्यू अपेरेंट, बस आपके पेपर में ए लिखा रहेगा, du अपॉन dy की पावर n प्लस बी। तो इसमें जो है इल्ड स्ट्रेस है ही नहीं, यानी कि आप इसके लिए अगर बात करें सूडो प्लास्टिक के लिए तो b बराबर 0 दिखेगा, और चूंकि विस्कोसिटी जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के कारण घट रही है तो ये जो होगा जब विस्कोसिटी घटेगी तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो शियर फोर्स भी घटने लगता है, यानी n का मान आपको रखना पड़ेगा लेस देन 1, ठीक है। तो हो गया हमारा सूडो प्लास्टिक के लिए b बराबर 0 और n इज लेस देन 1। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना दे रहे हैं। तो देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, और एक ग्राफ और बनाएंगे विस्कोसिटी के बीच में और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, फिर हम बात करेंगे एग्जांपल। देखिए दो ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बना रहे हैं कौन सा हम लोग, du अपॉन dy रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अथवा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, अथवा हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, du अपॉन dy अथवा d phi अपॉन dt लिखा रहेगा, और यहां लिख रहे हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। एक ग्राफ और बनाएंगे हम, देखिए विस्कोसिटी के बीच में म्यू इधर रहेगा और यहां रहेगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आप देखेंगे b बराबर 0 था, देखिए
बी बराबर जीरो है और एन इज लेस देन वन हो रहा है, तो एन इज लेस देन वन। तो आप देखेंगे कि बी बराबर जीरो यानी ग्राफ यहाँ शुरू होगा, एन इज लेस देन वन यानी इनका ग्राफ जो है लगातार गिरता हुआ चला जाएगा, स्लोप जो होगा लगातार कम होता जाएगा, विस्कोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो इनका ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए जरा, अगर हम यहाँ पर अगर स्पर्शी खींचे, टेंजेंट खींचे इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तो देखेंगे आपको दिखेगा म्यू अपरेंट विस्कोसिटी यहाँ पर इतना, यहाँ पर खींचिए म्यू अपरेंट इतना विस्कोसिटी, यहाँ खींचेंगे तो ये हो गया म्यू अपरेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर विस्कोसिटी पहले कम स्ट्रेन था, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कम था, तो विस्कोसिटी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही थी, थोड़ा और बढ़ा दिए, थोड़ा और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो और विस्कोसिटी कम हो गई। देखिए यहाँ पर स्लोप कम होता जा रहा है और यहाँ पर एकदम से कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया। तो ये बता रहा है कि ये जो फ्लूड है वो जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ता जाता है वैसे ही विस्कोसिटी लगातार घटती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। ऐसे फ्लूड को बोलते हैं हम लोग सूडो प्लास्टिक। यहां पर भी देख लीजिए, शुरू में स्ट्रेन जब इतना था, शुरू में स्ट्रेन जब ये था तो ये दिखा रहा था विस्कोसिटी इतना यहाँ, फिर स्ट्रेन हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं स्ट्रेन हम लोग, क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। जब यहाँ पर देखेंगे जैसे स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं वैसे विस्कोसिटी थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रहेगा, फिर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ चला आएगा। तो ये ग्राफ को अगर तीनों बिंदुओं का मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, मतलब कम स्ट्रेन पर ज़्यादा विस्कोसिटी, जैसे रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी जो है घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो अगर पेपर में आता है कि बताइए ये इसमें कौन सा जो है सूडो प्लास्टिक का ग्राफ है, तो शियर स्ट्रेस और डी यू अपन डी वाई के बीच देखेंगे तो आप हरा वाला दिखेगा, लेकिन अगर म्यू और डी यू अपन डी वाई के बीच देखेंगे तो जो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा उसको आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब बात हम लोग करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो ठीक है एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपको याद रखना है पेपर के लिए, ह्यूमन ब्लड आदमी का खून, ठीक है, प्राणियों का हम लोगों का खून है, ठीक है। दूध की बात करते हैं, मिल्क होता है, एक पेपर पल्प होता है, पेपर पल्प आप नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। पेपर पल्प क्या होता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इन्हीं को सब कबाड़ी वाले ले जाते हैं और फैक्ट्रियों में इनको दे देते हैं, क्या करते हैं इन पेपरों को बहुत छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है, फिर पानी में मिला दिया जाता है, एक सोलूशन बनाया जाता है, फिर इसी से दफ्ती और गत्ता बनाया जाता है। तो उस समय जो सोलूशन बनाएंगे उसी को बोलते हैं पेपर पल्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लड है, हल्का सा जैसे हाथ घुमाएंगे वैसे ये पतला हो जाएगा, चूंकि आप इसको देखे हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं। दूध भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक होता है जिलेटिन, एक जिलेटिन भी होता है, जिलेटिन होता है वो भी क्या करता है, बिल्कुल गोंद जैसा दिखता है, उसमें भी बार बार आप हाथ चलाएंगे तो वो भी पतला हो जाता है, जिलेटिन हो जाता है और कोलाइडर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो गया हमारा ह्यूमन ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प, जिलेटिन, कोलाइडर सॉल्यूशन एट नैनो लेवल, ठीक है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटिनियन फ्लूड की, फ्लूड नंबर तीसरा। तो तीसरा फ्लूड है हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूड अथवा बिंघम प्लास्टिक एंड हर्सल बकले फ्लूड, लेकिन पेपर में आपको दिखेगा बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। ये जो फ्लूड होती है इसकी खासियत क्या है, इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कितनों भी आप बढ़ा दें, कितनों भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी विस्कोसिटी जो है चेंज बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है तो आप सोचेंगे कि ये न्यूटिनियन फ्लूड है, नहीं भाई ये न्यूटिनियन फ्लूड नहीं है। क्या है इसकी खासियत कि इस फ्लूड में जो है एक ही कारण है इसके नॉन न्यूटिनियन होने का, इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस पाया जाता है, इसके अंदर जो है यील्ड स्ट्रेस पाया जाता है, ये अपने आप से नहीं बहेगा जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस पैदा नहीं करेंगे। एग्जांपल इसका अगर देखें तो टूथपेस्ट है इसका, टूथपेस्ट है, आप ज़्यादा बढ़िया से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टूथपेस्ट का ट्यूब ले लें, आप ट्यूब ले लें टूथपेस्ट का, तो आप देखेंगे टूथपेस्ट का जो ट्यूब है इसमें टूथपेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। ये टूथपेस्ट का ट्यूब है और इसमें टूथपेस्ट भरा हुआ है, अगर आप खोल करके क्या करें ढक्कन खोल दें तो अपने आप से ये टूथपेस्ट बाहर नहीं आएगा जब तक आप इस टूथपेस्ट के पैकेट को आप दबाएंगे नहीं, ट्यूब को आपको दबाना पड़ेगा तब जा करके यहाँ से ये निकलेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो टूथपेस्ट है। तो जैसे आप इसमें क्या करेंगे स्ट्रेन पैदा करेंगे, जैसे दबाएंगे वैसे यहाँ से फ्लूड जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात और है, जो विस्कोसिटी ये फ्लूड ट्यूब अंदर दिखाएगा वही विस्कोसिटी ये क्या करेगा ट्यूब के बाहर आने के बाद भी दिखाएगा। इसकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं चेंज होती। अगर आप टूथपेस्ट हाथ में ले लें और उसमें आप पानी ना मिलाएं तो बार 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 आप उसको क्या करें
रब करें तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी नहीं, बस आपको नमी नहीं मिलाना है, पानी मिलाएंगे तो झाग बन जाता है, ठीक है। तो उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, इसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, ठीक है। नॉन न्यूटनियन में इसके आने का एक ही वजह है कि इसमें पहले से जो है यील्ड स्ट्रेस पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें आइडियल प्लास्टिक की, तो इसका जो अगर ग्राफ बनाना चाहें हम, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हमें पता चल गया है कि इसमें पहले से ही यील्ड स्ट्रेस होता है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस इनिशियल स्ट्रेस। पेपर में आपको बस ये थोड़ा नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिख जाता है ए और यहाँ पर दिख जाता है बी। तो आइडियल फ्लूड की अगर बात करें, इसके लिए जो बी होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, शुरू में ही स्ट्रेस दिखा देगा प्लस। देखिए इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यानी एन बराबर आपको रखना पड़ेगा वन। तो आप देखेंगे ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसा बनेगा, बहुत बार आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अगर इसका बनाना है तो पहले आपको सी बनाना पड़ेगा, तो पहले ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट ना होकर के ग्राफ यहाँ स्टार्ट होगा, यही हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद ये जब हो गया तो ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन और ये बन जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आप देखेंगे ग्राफ अगर इसका तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ये भी इक्वेशन आपको सेम ऐसे ही लग रहा है, यानी कि अगर आइडियल प्लास्टिक का हम लोग ग्राफ बनाए किसके किसके बीच में, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, देखिए y के जगह शियर स्ट्रेस है और mx के जगह du अपन dy है, तो हम बना दे रहे हैं, देखिए यहां बना दे रहे हैं शियर स्ट्रेस और इधर बना दे रहे हैं हम लोग du अपन dy, ठीक है। अगर बना देंगे तो ये दिख जाएगा हमारा b नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ वैल्यू है तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बिंघम प्लास्टिक। आप देखेंगे तो इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, कहीं पर भी स्लोप खींचिए कहीं पर खींचेंगे हर जगह जो म्यू होगा वो आपको समान मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो ये तो हो गया शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में आइडियल फ्लूड के लिए ग्राफ, लेकिन हम बना रहे हैं विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के ग्राफ को, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ठीक है, तो चलिए बना देते हैं ग्राफ। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू अपन डी वाई क्या है, थोड़ा डी फाई अपन डी टी और विस्कोसिटी के बीच में, तो इनका कहना क्या है, इसके अंदर पहले तो विस्कोसिटी कुछ ना कुछ है ही, लेकिन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ने के साथ विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो विस्कोसिटी शुरू में रहेगा, देखिए जब स्ट्रेन यहाँ पर दिखा रहे हैं जीरो तब भी इसमें दिखाया जाएगा विस्कोसिटी यहाँ पर कुछ, उसके बाद बहुत सारा होगा तब भी विस्कोसिटी आपको वही दिखेगी, मतलब ये ग्राफ आपको मिलेगा। ये हमारा म्यू जो दिखा रहा है वो कांस्टेंट दिखा रहा है। तो ये हमारा हो गया आइडियल प्लास्टिक के लिए ग्राफ, और शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में ग्राफ ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो एग्जांपल की अगर बात कर लें तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, तो ये सीवेज स्लज होगा, ड्रिलिंग मड होगा, ड्रिलिंग मड कहीं पर जो है पाइलिंग हो रही हो, कहीं पर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा, मतलब ब्रिज बन रहा है, वहां पर देखेंगे पाइलिंग की जाती है, तो उसमें से मिट्टी बाहर आती है और उसमें पानी रहता है, वो भी हमारा जो होता है आइडियल फ्लूड का बेस्ट एग्जांपल होता है, उसी बोलते हैं ड्रिलिंग मड। और टूथपेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है टूथपेस्ट, तो इसका टूथपेस्ट जो है एग्जाम्पल है, पेपर में आपको ये दिख जाएगा सीवेज स्लज और ड्रिलिंग मड, पेपर में इसी से आते हैं, वरना बहुत सारे फ्लूड होते हैं जो आइडियल प्लास्टिक में आते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल याद रखेंगे पेपर के हिसाब से, और ग्राफ भी आपको याद रखना पड़ेगा यही वाला, ये हमारा है बिंघम प्लास्टिक का, बी नॉट इक्वल टू जीरो और एन बराबर वन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना प्लस ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटनियन फ्लूइड की। तो आपको पीछे बता चुके हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारा है थिग्जोट्रॉपिक, थिग्जोट्रॉपिक फ्लूड, ठीक है ना। तो पहला हमारा है टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटनियन फ्लूड, थिग्जोट्रॉपिक फ्लूड, ठीक है। अब क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर इन फ्लूड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, समय बीतने देंगे आप, तो होगा क्या, इनकी विस्कोसिटी या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पर भी डिपेंड करेंगे प्लस समय पर भी निर्भर करते हैं, तो ऐसे ही फ्लूड को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटनियन फ्लूड, और पहला हमारा है थिग्जोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए इसको आपको समझा देते हैं
हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड के, ठीक है। तो यह जो है थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड एक रियल फ्लूड है, ठीक है, एक रियल फ्लूड है और नॉन न्यूटनियन फ्लूड है। ऊपर से क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूड है, मतलब इसकी विस्कोसिटी समय पर भी निर्भर करेगी प्लस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पर भी डिपेंड करेगी। तो यह एक ऐसा फ्लूड होता है कि जिसके अंदर जो है यील्ड स्ट्रेस होता है, पहले से इसके अंदर जो स्ट्रेस रहता है बिना आप एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाए, बिना आप इस पर एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाए इसको आप डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये फ्लो का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ये ऐसा फ्लूड होता है। ऊपर से क्या है, जैसे जैसे इस पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप बढ़ाते जाएंगे, जितना इसमें विकृति आप पैदा करेंगे वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी लगातार घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें लिपस्टिक की, एग्जाम्पल जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो लिपस्टिक है। औरतें जो होट बेस्ड लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक को अगर आप खोल के देखेंगे तो लिपस्टिक जब खोल देंगे पैकेट से तो बहने नहीं लगेगा, अपने आप से वो नहीं बहेगा, उसको बहाने के लिए उस पर शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। यानी औरतें क्या करेंगी, अपने होठों पर रख करके उसको रगड़ती हैं, जैसे रगड़ेंगी वैसे लिपस्टिक आकर के यहाँ चिपक जाएगा, तब वो फ्लो की प्रॉपर्टी दिखाता है, डिफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी को क्या किया जाए, लिपस्टिक का पैकेट हटाइए और लिपस्टिक को हाथ में लेकर के बार 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 ऐसे रगड़िए, जैसे रगड़ेंगे देखेंगे, पहले शुरू में आप देखेंगे कि लिपस्टिक आपको गाढ़ा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो पतला होने लगेगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी घटने लगती है, ठीक है। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से फ्लूड की, इस फ्लूड की विस्कोसिटी घटने लगती है। ऐसे ही फ्लूड को हम लोग बोलते हैं थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड, प्लस पहले से उसके अंदर जो है यील्ड स्ट्रेस होता है, यानी अपने से आप से वो नहीं बहेगा, तो अपने आप से नहीं बहेगा, यील्ड स्ट्रेस होगा, प्लस उसकी विस्कोसिटी जो होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ घटती रहती है, जैसे स्ट्रेन पैदा करेंगे वैसे वो घटने लगेगा। प्लस क्या है, लिपस्टिक आप सुबह लगा के छोड़ दीजिए, अपने हाथ में लगा के छोड़िए, होठों पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करें, अगर हाथों पर ही लिपस्टिक लगा करके आप छोड़ दीजिए पूरा दिन, समय बीतने दीजिए, आप देखेंगे धीरे 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 लिपस्टिक जो है पहले गाढ़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे इसका गाढ़ापन धीरे 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 खत्म होने लगेगा, विस्कोसिटी इसकी कम होने लगेगी। तो समय बीतने के साथ भी इसकी विस्कोसिटी जो है कम होने लगती है, प्लस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से भी इस फ्लूड की विस्कोसिटी कम होती है। ऐसे ही फ्लूड को बोलते हैं हम लोग थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड, ठीक है। तो थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड की जो एग्जांपल है वो लिपस्टिक है, क्रूड ऑयल है, इनामेल है, आपके पेपर में जो दिखेगा ये वाला आपको दिख जाएगा लिपस्टिक, ठीक है। तो चलिए इनका ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाने की बात करें तो हम ग्राफ बनाएंगे शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में, और विस्कोसिटी में प्लस बनाएंगे हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में, ठीक है। तो हम दो ग्राफ बनाएंगे, देखिए एक बनाएंगे शियर स्ट्रेस और डी यू अपॉन डी वाई के बीच, और एक ग्राफ हम बनाएंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और विस्कोसिटी के बीच में, दोनों के बीच में हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तब तो देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे इनकी विस्कोसिटी घटती जाती है, घटती जाती है पहले से। और एक चीज और, अपने आप से ये नहीं बहते हैं, मतलब इनके अंदर पहले से जो है स्ट्रेस रहता है। तो अगर इक्वेशन की बात करें तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि म्यू अपेरेंट डी यू अपान डी वाई की पावर एन प्लस बी। तो आप देखेंगे इस फ्लूड के लिए जो बी होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अपने आप से नहीं बहेगा, यानी कि ग्राफ कहीं ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से क्या है इनकी विस्कोसिटी घटती है, यानी एन इज लेस देन आपको दिखेगा वन। तो ये ग्राफ आपका चलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर आप स्पर्शी खींचें, अगर स्लोप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्पर्शी खींचेंगे तो ये म्यू दिखेगा, यहाँ पर खींचेंगे तो ये म्यू दिखेगा, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर म्यू दिखेगा। तो देख रहे हैं म्यू लगातार रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ने के साथ ये घट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लूड को बोलेंगे हम लोग थिक्जोट्रॉपिक। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए म्यू और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में खींच रहे हैं, तो हमें जस्ट डिफिनेशन पढ़े हैं कि जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे विस्कोसिटी घटेगी, यानी शुरू में आपको विस्कोसिटी ज्यादा दिखेगी, जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कम होगा फिर देखेंगे आप थोड़े समय बाद, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और विस्कोसिटी घटेगी, यानी ये ग्राफ लगातार नीचे जाएगा। ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा हमारा कौन सा, थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड का, ठीक है, जिसमें पहले से यील्ड स्ट्रेस मौजूद रहेगा। तो म्यू और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में ये ग्राफ हो गया। अब क्या है, ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पर भी ये इसकी विस्कोसिटी घटती है, यानी कि हम लोग क्या करें, विस्कोसिटी
विस्कोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचें, तब अगर आप देखें टाइम और विस्कोसिटी के बीच में आप ग्राफ खींचें तब भी एक ग्राफ मिल जाएगा आपको। देखिए कैसे, ये आपका हम लिख दे रहे हैं, ये देखिए इधर टाइम लिख दे रहे हैं और इधर म्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बताएं आपको, जैसे जैसे समय बीतता है इसकी विस्कोसिटी जो है लगातार घटती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। तो पहले विस्कोसिटी दिखाया गया यहाँ पर जब समय बहुत कम था, समय बीत रहा तो आप देखेंगे इनकी विस्कोसिटी जो है वो घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो पहले कम समय पर जीरो, समय पर ज़्यादा, समय बढ़ रहा तो विस्कोसिटी लगातार घट रही है, तो इसको हम लोग कह देंगे थिक्ज़ोट्रॉपिक फ्लूइड। तो अगर म्यू और टाइम के बीच में पूछ रहा है ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ आपका थिक्ज़ोट्रॉपिक हो जाएगा। म्यू और डीयू अपॉन डीवाई के बीच में पूछ रहा है, तो ऐसा अगर ग्राफ आपको दिखता है और बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो तुरंत हो जाएगा कौन सा, ये थिक्ज़ोट्रॉपिक फ्लूइड का। अगर रेट ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ के बीच में पूछ रहा है और डीयू अपॉन डीवाई के बीच में, तो ग्राफ आपका ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया थिक्ज़ोट्रॉपिक। तो आप एग्जांपल याद रखेंगे प्लस ये तीनों ग्राफ याद रखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे फ्लूइड की, टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटनियन फ्लूइड टाइप नंबर टू। तो वो जो फ्लूइड है दूसरा वाला, उसको बोलते हैं रिहोपेटिक, रिहोपेटिक फ्लूइड, ठीक है। ये रिहोपेटिक फ्लूइड है, इसकी खासियत आपको बताते हैं। ये क्या है, इसके अंदर भी शुरुआत से इसके अंदर भी इल्ड स्ट्रेस पाया जाता है, मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इल्ड स्ट्रेस जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऊपर से क्या है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है, जैसे स्ट्रेन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ने लगती है, और समय के साथ भी। और समय की अगर बात करें तो अगर इस फ्लूइड को रख दिया जाए, आज रख देंगे तो दूसरे आप देखेंगे वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही फ्लूइड को बोलते हैं रिहोपेटिक फ्लूइड, ठीक है ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो जिप्सम सॉल्यूशन होता है, जो पुट्टी आपके घर पर लगती है, आप पुट्टी देखिए जैसे उसमें क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे तो शुरुआत में देखेंगे कि बिल्कुल वो ढीला है, आसानी से उठा करके दीवार पर लगा दिया जा रहा है, आसानी से डिफॉर्मेशन पैदा कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे उठा करके दीवार पर रख करके एक से दो बार जैसे उसको डिफॉर्मेशन पैदा करते हैं, वैसे ही वो होता है गाढ़ा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उसी फ्लूइड को बोल देते हैं हम लोग रिहोपेटिक फ्लूइड। प्लस समय के साथ कैसा निर्भरता है, वही पुट्टी है आपका, आज घोल करके रखे हैं और कह रहे हैं कल लगाएंगे सुबह, तो आप देखेंगे 10-12 घंटे में वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे जो है वो फ्लूइड टाइट होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, विस्कोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग रिहोपेटिक फ्लूइड। तो अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, ग्राफ की बात करें, तो पहले देखिए नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का इक्वेशन होता है म्यू अपेरेंट डीयू अपॉन डीवाई की पावर एन प्लस बी, ये यील्ड स्ट्रेस बता रहा है बी, और यहां पर आपके पेपर में ए लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे अपेरेंट की बात हो रही है, जो फील हो रहा है विस्कोसिटी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर रिहोपेटिक फ्लूइड की बात करें तो इनके लिए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब अपने आप से नहीं ये फ्लूइड बहेगा, आपको इस पर शियर स्ट्रेस इसके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी ये बहेगा। ऊपर से क्या है, इसकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से बढ़ती है, एन इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो तीन ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, एक अपरेंट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में, और एक समय के साथ और म्यू के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो आपको हम बनाकर दिखाएंगे तीन ग्राफ। तो पहला ग्राफ बनाएंगे हम शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच, दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम आपके लिए म्यू के बीच में और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, और एक ग्राफ आपके लिए और बनाएंगे म्यू और समय के बीच में, ठीक है ना। तीन ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जब बी नॉट इक्वल टू जीरो तो शियर स्ट्रेस वाला फार्मूला भी जस्ट लिखे थे प्लस बी है, तो पहले आपको ग्राफ पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी विस्कोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी एन इज ग्रेटर देन 1 है, जब लगातार बढ़ेगा तो पैराबोलिकली ये बढ़ेगा, यानी कि अब क्या करें, अगर स्पर्शी खींचे यहाँ पर खींचेंगे तो म्यू दिखाएगा, यहाँ खींचेंगे ये म्यू दिखाएगा, यहाँ खींचेंगे ये म्यू दिखाएगा। देख रहे हैं जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे ये स्लोप जो है लगातार बढ़ रहा है, मतलब विस्कोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा रिहोपेटिक का, ठीक है। अब देखिए विस्कोसिटी और डी यू अपॉन डी वाई के बीच
बीच में। तो आप देखेंगे शुरू में भी विस्कोसिटी होगी, लेकिन जैसे स्ट्रेन और पैदा करेंगे वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप बढ़ाएंगे वैसे ही विस्कोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा, कम स्ट्रेन पर कम विस्कोसिटी, थोड़ा स्ट्रेन और बढ़ाइए, थोड़ा विस्कोसिटी और बढ़ गया, स्ट्रेन और बढ़ाइए और विस्कोसिटी बढ़ गया। तो जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। ऊपर से क्या है, देखिए समय के साथ अगर देखें, आप क्या कर रहे हैं, जिप्सम का सोलूशन बना रहे हैं, जिप्सम में पानी मिला करके छोड़ दे रहे हैं। अब देख रहे हैं शुरू में देख रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम है, लेकिन जब समय बीतेगा लगेगा वो सेट होने, टाइट होने, मतलब विस्कोसिटी बढ़ने लगेगी। जैसे ही समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो विस्कोसिटी, देखिए समय बढ़ रहा है तो इसकी विस्कोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ऐसे फ्लूड को बोलेंगे हम लोग रिहोपेटिव फ्लूड। मतलब आप ग्राफ देखेंगे शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में तो ये वाला हरा वाला मिल जाएगा, अगर विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में देखेंगे तो ये विस्कोसिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समय और विस्कोसिटी के बीच में तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा बढ़ता हुआ। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पहला एग्जाम्पल है आपका बेंटोनाइट सोल्यूशन प्लस दूसरा है जिप्सम सोल्यूशन, आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, एक बेंटोनाइट सोल्यूशन है, बेंटोनाइट सोल्यूशन, और दूसरा हमारा है जिप्सम सोल्यूशन, ठीक है। पेपर में लिख के आ सकता है सस्पेंशन जिप्सम ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर के ऊपर जिप्सम डाल देंगे तब भी बात करते हैं, ठीक है। तो एक बेंटोनाइट है और दूसरा हमारा जिप्सम है। ये जो बेंटोनाइट होती है एक मिट्टी होती है, बहुत ये चिपचिपी होती है, इसमें मोंट मोनोलाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब कहीं ड्रिल करते हैं तो इसी सॉयल का हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग के रूप में यूज करते हैं, स्नेहक का काम करता है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटेनियन फ्लूड। तो ये सारे हो गए, आप क्या करेंगे इनको याद कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको बता रहे हैं, आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बना रहे हैं विस्कोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ, हम क्या कर रहे हैं विस्कोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं नॉन न्यूटीनियन फ्लूड के लिए, ठीक है। और नॉन न्यूटीनियन फ्लूड जो है एक टाइम डिपेंडेंट होता है, एक टाइम से इनडिपेंडेंट होता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये रेड वाला ग्राफ है, ठीक है, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये बता रहा है, देखिए विस्कोसिटी और समय के बीच में हम खींच रहे हैं ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ बता रहा है, ये बता रहा है जब समय बीत रहा है तो विस्कोसिटी जो है कांस्टेंट रह रही है। अगर विस्कोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो ऐसे फ्लूड को हम लोग कह देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटीनियन फ्लूड। लेकिन अगर विस्कोसिटी जो है समय के साथ चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन न्यूटीनियन टाइम डिपेंडेंट फ्लूड, ठीक है। अगर समय के साथ विस्कोसिटी इनकी बढ़ती है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिहोपेटिक फ्लूड। अगर समय के साथ घटती है तो इसको बोलते हैं हम लोग थिक्जोट्रॉपिक, ठीक है। अगर पेपर में कहीं इस तरीके से आ गया टाइम और म्यू के बीच में और ऐसे ग्राफ बना दिया, यहाँ लिख देगा एक्स वाई, यहाँ जेड लिख देगा, कहेगा जेड क्या बता रहा है, कहेगा जेड ग्राफ है वो क्या बता रहा है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा कि नॉन न्यूटीनियन टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड। अगर यहाँ पर लिख दिया एक्स, पूछ रहा है ये एक्स का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में आपसे आप लगा सकते हैं कि ये रिहोपेटिक फ्लूड है, यानी कि नॉन न्यूटीनियन टाइम डिपेंडेंट फ्लूड है, इसको और इसको आप बता सकते हैं। तो ये वाला आप यहाँ पर जरूर याद रखें, कॉपी पर आप वीडियो क्या करें रोक रोक करके ये सारी चीजें बना लिया कीजिए और आराम से पढ़िए, एक से दो बार पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पेपर में 100% आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करना आपके ऊपर है, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और, ठीक है। तो चलिए एक फ्लूड और बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक होता है इलास्टिक प्लास्टिक फ्लूड अथवा इसका दूसरा जो नाम है ये है विस्को इलास्टिक फ्लूड, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं, ये कैसा फ्लूड होगा, इसमें पहले से स्ट्रेस होगा, प्लस क्या है, अगर इस पर स्ट्रेस फोर्स लगा करके आप इसके शेप और साइज में
चेंज कर दे रहे हैं। जैसे चेंज कर दे रहे हैं, जैसे आप फोर्स हटाएंगे वैसे क्या होगा, यह पुनः अपने पुराने शेप और साइज में आने की कोशिश करेगा, आने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा अपने पुराने शेप को गेन करने की कोशिश भी करेगा और थोड़ा सा कर लेगा, पूरा नहीं कर पाएगा, पार्शियली कर लेगा। ऐसे ही फ्लूड को हम लोग बोलते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूड अथवा इलास्टो प्लास्टिक फ्लूड। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप बिटुमिन देखे होंगे, बिटुमिन कहीं रोड बन रहा है वहां पर जाइए, बिटुमिन है, तार है, अस्फाल्ट है, देखिए रोड पेमेंट बनाने वाले बाइंडर मटेरियल हैं ये। तो कहीं पर अगर बिटुमिन पड़ा हो किसी ड्रम में, कहीं रोड बन रहा हो तो वहां पर जाइए, बस उसमें क्या हो एकदम टाइट ना हो, ठंडी मौसम चल रहा है अंगूठा टूट सकता है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म रहे तो देखें थोड़ी सी उसमें इलास्टिसिटी टाइप है, मतलब फोर्स लगाने से डिफॉर्म हो सकता है। तो आप जाइए ड्रम में उंगली रख करके क्या उसके सतह पर बिटुमिन को दबा दीजिए, जैसे आप दबा करके छोड़ेंगे, जैसे दबा करके छोड़ेंगे तो डिफॉर्मेशन तो हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे लोड हटाएंगे फिर क्या होगा देखेंगे, वो धीरे धीरे तल जो है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करेगा लेकिन पूरा वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फ्लूड को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक प्लास्टिक फ्लूड अथवा विस्को इलास्टिक फ्लूड। एग्जांपल में याद रखना है बिटुमिन और बिटुमिन है, तार है और एस्फाल्ट है, ठीक है ना। तो एक चीज नोट करके आपको बना दे रहे हैं, वो आपको याद रखना है। तो अगर जरूर अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊंगा, टाइम निकालूंगा, टाइम रहता नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो आपको इसको क्या करना है, शेयर करना है, थोड़ा फैला दीजिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सभी फ्लूड को एक ही ग्राफ पर बना दे रहे हैं ताकि पेपर में आपको पहचानने में आसानी हो, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे हम इसमें बना रहे हैं। तो ये है शियर स्ट्रेस और ये है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो जस्ट हम लोग पीछे पड़े हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा है न्यूटोनियन फ्लूड का, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूड का ग्राफ है और एक ग्राफ ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे ग्राफ, ये ग्राफ था हमारा डाइलेटेंट का, ठीक है। एक ग्राफ और बनाए थे, ये हमारा था सूडोप्लास्टिक का, सूडोप्लास्टिक फ्लूड। एक ग्राफ और आपको बना करके दिखाए थे इस तरीके से, ये हमारा था बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक कहें अथवा आइडियल प्लास्टिक। एक ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनाया गया था, ये वाला, ये हमारा है रिहोपेटिक, रिहोपेटिक फ्लूड। और एक ग्राफ और बनाया गया था ऐसे, ये था हमारा थिक्जोट्रॉपिक, ठीक है, थिक्जोट्रॉपिक फ्लूड। और आइडियल फ्लूड का हम बनाए थे, तो आइडियल फ्लूड बिल्कुल उसमें शियर स्ट्रेस होता ही नहीं है, बस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी कि वह ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस जगह पर, तो ये ग्राफ हमारा हो जाएगा आइडियल फ्लूड का, ठीक है। एक चीज और होता है आइडियल सॉलिड, उसको भी बना देते हैं। देखिए अगर आइडियल सॉलिड की बात करें तब, तो कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड मटेरियल है आइडियल, तब कहेंगे इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फोर्स लगा रहे हैं वैसे इसमें स्ट्रेस पैदा होता जाएगा, फोर्स हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अपान एरिया, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा देते हैं, ज्यादा समझ में है आपको, शियर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेन इसमें नहीं आ रहा है। तो जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब स्ट्रेन नहीं आएगा, बस इसमें क्या होगा लगातार इसमें स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा अचानक में ये फेल हो जाएगा। तो अब देखेंगे स्ट्रेन नहीं दिखाएगा, बस ये स्ट्रेस दिखाएगा, तो इसको हम लोग कह देंगे आइडियल सॉलिड, ठीक है। तो आपको ग्राफ मिल गया है ये, कि इसको कह देंगे आइडियल फ्लूड और ये हमारा हो गया आइडियल सॉलिड। ये जो बीच में चल रहा है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूड, ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है लेकिन जीरो से शुरू हो रहा है, तो डाइलेटेंट, जीरो से शुरू हो रहा है और लगातार ग्राफ गिर रहा है तो सूडो प्लास्टिक, मतलब विस्कोसिटी घट रही है। ये हरा वाला दिख रहा है बिंघम प्लास्टिक, इसमें स्ट्रेस पहले से मौजूद है, पहले से स्ट्रेस मौजूद है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है ये वाले, तो बिंघम प्लास्टिक विस्कोसिटी में चेंज नहीं, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रिहोपेटिक, अगर विस्कोसिटी घट रही है तो थिक्जोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लूड, पेपर में जो आएंगे क्वेश्चंस ऐसे ग्राफ बना दिया जाएगा, बस उनके जगह पर एक्स और वाई जेड लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा जो एक्स है जो वाई है वो क्या बता रहा है, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में जितना प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड है वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आइडियल सॉलिड की
बात करें तब तो कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड मटेरियल है आइडियल तब कहेंगे, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फोर्स लगा रहे हैं वैसे इसमें स्ट्रेस पैदा होता जाएगा। फोर्स हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अपान एरिया, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा देते हैं, ज़्यादा समझ में है आपको, शियर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेन इसमें नहीं आ रहा है। तो जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब स्ट्रेन नहीं आएगा, बस इसमें क्या होगा, लगातार इसमें स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा अचानक में ये फेल हो जाएगा। तो देखेंगे स्ट्रेन नहीं दिखाएगा, बस ये स्ट्रेस दिखाएगा, तो इसको हम लोग कह देंगे आइडियल सॉलिड, ठीक है। तो आपको ग्राफ मिल गया है ये, कि इसको कह देंगे आइडियल फ्लूड और ये हमारा हो गया आइडियल सॉलिड। ये जो बीच में चल रहा है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूड, ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है लेकिन जीरो से शुरू हो रहा है, तो डायलेटेंट जीरो से शुरू हो रहा है और लगातार ग्राफ गिर रहा है, तो सूडो प्लास्टिक मतलब विस्कोसिटी घट रही है। ये हरा वाला दिख रहा है बिंगम प्लास्टिक, इसमें स्ट्रेस पहले से मौजूद है, पहले से स्ट्रेस मौजूद है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है ये वाले, तो बिंगम प्लास्टिक विस्कोसिटी में चेंज नहीं। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रिहोपेटिक, अगर विस्कोसिटी घट रही है तो थिक्जोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लूड। पेपर में जो आएंगे क्वेश्चंस ऐसे ग्राफ बना दिया जाएगा, बस उनके जगह पर एक्स और वाई जेड लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा जो एक्स है जो वाई है वो क्या बता रहा है, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में जितना प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड है वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो वाला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, तब जाकर के हम वीडियो रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।